Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. So students, I hope you all are fine. I hope you all are doing very hard studies. And I hope you all have done, you know, the subscription of this channel. So अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, अगर आप पहली बार हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जस्ट लाइक UGC NET, CTET, PTET, KVS, NVS एंड मैनी मोर। और फ्यूचर में भी हम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। रिसेंटली हमने हिंदी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया है, जिनका UGC NET में, NVS, KVS, CTET, PTET में जो सब्जेक्ट हिंदी है, उनके लिए ऑलरेडी हम क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं। सो फ्यूचर में भी हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव सीरीज़, इनोवेटिव जो कोर्स है वो लेके आने वाले हैं। तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये आपको प्रोवाइड कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो और आपको ये भी पता है कि आपकी मोटिवेशन से हमें मोटिवेशन मिलती है, आपके प्यार से, आपकी लाइकिंग से। अगर आप हमारे इस चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए नए नए कोर्सेज और अच्छे अच्छे जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके लिए लेके आएं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अगेन SST सीरीज़ हमारी चल रही है इस वीक में पूरी। तो मैं अब तक आपको 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 1, 2 और 3, तीन चैप्टर्स करवा चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स SST सब्जेक्ट के हैं, तो वो मेरे साथ ज़रूर ज्वाइन हो और हम सब मिलके जो है, हमारा मिशन यही है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम क्वालिटी एजुकेशन दे, सो दैट कि जो उनके ड्रीम्स हैं वो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सके, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, सो डू लाइक आर शेयर, डू लाइक आर चैनल, डू सब्सक्राइब आर चैनल, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयरिंग से ही हमें जो है वो मोटिवेशन मिलेगी। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, दैट इज़ 7th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आज हम करने वाले हैं 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप प्लीज़ 1, 2 और 3 वाली में चैप्टर्स की वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आई होप कि आपको वो बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर नंबर 4 में आप देख सकते हो कि ये चैप्टर जो है वो आपका एटमोसफेयर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, ऑल अबाउट एटमोसफेयर। इसमें हम कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफेयर जो है सबसे बड़ा टॉपिक हम करने वाले हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफेयर। उसके बाद हम जो है आएंगे आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम 5 लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर जो है वो पढ़ने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो उसके बाद वेदर, टेम्परेचर, ठीक है, एयर प्रेशर, विंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही वास्ट चैप्टर है ये, ठीक है, और ये चैप्टर मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको अपने स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम में से कम 3 से 4 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में भी अगर आप देखो, CTET के प्रीवियस ईयर्स अगर आप देखो, उसमें भी आपको इस चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली मिलेंगे। ज्योग्राफी पूरी की पूरी, अगर हम 6th क्लास की ज्योग्राफी के बारे में बात करें, या 7th क्लास की ज्योग्राफी के बारे में बात करें, या 8th क्लास की ज्योग्राफी के बारे में बात करें, 6, 7, 8 क्लास की ज्योग्राफी को मिला के जो ये चैप्टर है ना 7th क्लास ज्योग्राफी का, एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आप प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ, बिल्कुल हमारे अर्थ जो है, हमारी अर्थ जो है उसमें 4 स्फीयर्स हैं, ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कर लिया है। एक होता है हमारा लिथोस्फीयर, एक होता है हाइड्रोस्फीयर,
ठीक है, थर्ड स्फीयर होता है हमारा एटमॉस्फेयर और फोर्थ होता है हमारा बायोस्फीयर। अगर हमारी अर्थ में इन चारों स्फीयर्स में से कोई भी एक स्फीयर नहीं है ना, तो हम जो है अर्थ के ऊपर नहीं रह सकते, ठीक है। सो हमारा जो अर्थ है वो उसमें एक ह्यूज ब्लैंकेट है, ठीक है, किसकी, एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट से। हम सब जो है हमारी अर्थ में एक बहुत ह्यूज ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। बिल्कुल, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है, या जो इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं अगर वो हमारे हवा में नहीं होंगी, तो हम जो हैं यू नो वी कैनॉट सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। इट प्रोवाइड अस एयर वी ब्रीथ, ठीक है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, हमारे एटमॉस्फेयर से मिलती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज, ठीक है। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो सन की जो यूवी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जो बहुत हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, वो डायरेक्ट जो है हमारे अर्थ के ऊपर फॉल कर सकती हैं। लेकिन जब तक एटमॉस्फेयर है तब तक वो जो यूवी रेज है वो हमारी अर्थ के ऊपर डायरेक्ट फॉल नहीं कर सकती। तो एटमॉस्फेयर जो है वो हमें ऑक्सीजन, लाइफ बेयरिंग जो गैस है ऑक्सीजन, वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है। और एटमॉस्फेयर ये जो है हमें सन के यूवी रेडिएशन से बचाती हैं, हार्मफुल रेज से बचाती हैं, ठीक है। सो अगर ये नहीं होगा, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो हम जो है बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस टॉपिक में से हमेशा आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। कंपोजिशन मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मतलब कौन कौन सी गैसेस, कौन कौन से पार्टिकल्स, क्या क्या चीज़ें मिलके हमारा एटमॉस्फेयर बनता है, ये पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक के अंदर, डैट इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो एज वी ऑल नो दैट एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। हमें इतना पता है हमारी एयर में, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो है मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, ठीक है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इस लाइन से, इस स्टेटमेंट से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है, विच टू गैसेस यू नो आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर दैट मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपके सामने स्क्रीन पे एक पिक्टोरियल बना हुआ है, राउंड शेप में पाई चार्ट बना हुआ है, ठीक है। उस पाई चार्ट में देखिए सबसे ज़्यादा 78% जो है वो आपकी नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, हमारी हवा में 78% कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। उसके बाद 21% आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है जी। सो ये आपने ज़रूर याद रखनी है, विच टू गैसेस मेकअप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन द लेसर क्वांटिटीज, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो होती ही होती हैं बल्क में, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, हीलियम भी होता है, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये कुछ यू नो स्मॉल क्वांटिटीज में गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे जो है आप इस पिक्टोरियल में देख सकते हैं, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 0.03% होती है हमारी पूरे एटमॉस्फेयर में, आर्गन आपको दिया हुआ है 0.93% और उसके अलावा 0.04% जो है वो आपकी डिफरेंट अलग अलग और भी टाइप की गैसेस जो है वो होती हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल होती हैं हमारे पास एटमॉस्फेयर में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, अब इन गैसेस के अलावा क्या क्या होता है हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में, अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। हमें इतना पता है हमारी हवा में, एयर में कुछ यू नो टाइनी, बहुत ही स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं हवा में, ठीक है। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर,
ठीक है, पाई चार्ट में आप देख सकते हो। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। प्लेंटीफुल मतलब सबसे ज़्यादा आपके एटमोसफेयर में अगर कोई गैस है तो वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। ठीक है, व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल हिट। ठीक है, अगर आप ये बोलते हो कि जब हम ब्रीदिंग का, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग उसमें कुछ अमाउंट जो है वो नाइट्रोजन की इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं। ठीक है, बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। ह्यूमन बींग्स के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। किसके परस्पेक्टिव से नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है? प्लांट्स के सर्वाइवल के परस्पेक्टिव से नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है। ठीक है, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉयल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ इट। अब जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट वे में नाइट्रोजन गैस को कंज्यूम नहीं करते हैं। वो कंज्यूम कैसे करते हैं? जो बैक्टीरिया होता है, स्मॉल स्मॉल जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो आपके सॉयल, प्लांट्स की सॉयल के अंदर होता है बैक्टीरिया, या प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनके अंदर जो बैक्टीरिया होता है, वो उस नाइट्रोजन को एयर में से अपने इनहेल करता है और फिर वो बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन लेने के बाद उसकी फॉर्म को चेंज करता है और फिर प्लांट्स जो है उस नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं और अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ओके। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन की, कि जो ऑक्सीजन है वो हमारी सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन 78% है तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो 21% गैस है। ठीक है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। हमें इतना तो पता ही है कि ऑक्सीजन जो है वो आपकी लाइफ बेयरिंग गैस है। अगर वो नहीं होगी, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब जो है वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज हम ब्रीथ क्या करते हैं, ब्रीदिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीदिन करते हैं। सो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्ड। ठीक है, अब हम सब ने, जब हम छोटी एज के थे, ठीक है, तो हम सब ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें हम ऑक्सीजन जो है प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और हम जो है वहीं से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो अगर हम प्लांट्स को या ट्रीज को कट डाउन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस जो है वो बिगड़ सकता है। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ा तो हमारी लाइफ का बैलेंस भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। ठीक है, हम सबको पता है गैसेस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसेस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं। ठीक है, सो ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर ओन फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। बिल्कुल, जो ग्रीन प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसको करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो आपको पता होगा कि हम एक्सहेल क्या करते हैं, हम छोड़ते क्या हैं, हम एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमंस और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। अब कार्बन डाइऑक्साइड में बैलेंस कैसे होता है? ठीक है, प्लांट्स जो है दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड वी पीपल, एनिमल्स, हम लोग क्या करते हैं, हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाइल एक्सहेलिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोसफियर ईच ईयर। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो बिगड़ता कब है, अपसेट कब होता है, जब हम लोग जो है बर्निंग करते हैं फ्यूल्स की। ठीक है,
कोल को बर्न कर दिया, ऑयल को बर्न कर दिया, और भी बहुत कुछ चीज़ें जो है वी ऑलवेज बर्न। ठीक है, तो जब भी कुछ बर्न होगा, फ्यूल्स बर्न होंगे, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ कर जाती है हमारे इन्वायरमेंट में, तो हमारे लिए जो है, हमारी हेल्थ के लिए, अर्थ के क्लाइमेट के लिए, अर्थ के वेदर के लिए ये बिल्कुल सही बात नहीं होगी। ठीक है, तो हमें जो है एक बैलेंस क्रिएट करके रखना पड़ता है हर एक गैस का। नाइट्रोजन का भी एक बैलेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन का भी बैलेंस होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कंपोजिशन ऑफ एयर जो है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं डू यू नो। ठीक है, डू यू नो मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है कि डू यू नो को आपने इग्नोर नहीं करना। कोई भी स्पेशल बॉक्सेस बने हुए हैं ठीक है एनसीईआरटी में, तो आप उसको इग्नोर नहीं करोगे, बिकॉज मैनी ऑफ नंबर ऑफ टाइम जो है यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आइए डू यू नो करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अब हम सब ने पढ़ा है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या रिलेशन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिलीज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को प्रोड्यूस करती है, और जितना ज़्यादा हमारे अगर एटमॉस्फेयर में हीट होगा, तो हमारा जो सर्वाइवल है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। सो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, विच गैस इज़ नोन एज ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस क्यों है, क्योंकि ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर में हीट की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर देती है, हीट रेडिएशंस जो है उनको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कौन सी गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ओके। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेस एंड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कब होगी? ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? वार्मिंग मीन्स समथिंग इज़ बर्निंग। कोई कहीं ना कहीं पे हीट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, हीट इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है कि हम जो है बर्निंग हमारी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हम ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो वार्म हो रहे हैं। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया। ठीक है, जहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड में बैलेंस है वहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बिगड़ा, बैलेंस बिगड़ने का मतलब जहाँ से आपके कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है आपके एटमॉस्फेयर में, तो कहीं ना कहीं जो है ये ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो क्रिएट करती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारे लिए फिर जो एटमॉस्फेयर है वो रहने लायक नहीं होता। ठीक है, दिस राइज इन टेम्परेचर कॉसेस द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। ठीक है, अब जो हमारे माउंटेन वाले एरियाज़ हैं, ठीक है, जो हमारे आइस के जो माउंटेन्स हैं, जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, जितना ज़्यादा हमारी अर्थ जो है वो वार्म होगी, उससे क्या होगा, जितनी भी आइस है हमारे अर्थ के ऊपर वो जो है पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी, स्नो जो है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, एज द रिज़ल्ट द सी लेवल राइजेज कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज। ठीक है, अगर ज़्यादा आइस मेल्ट हुई तो ऑफकोर्स जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उसमें पानी जो है उनकी मात्रा इंक्रीज़ हो जाएगी, और पानी की मात्रा इंक्रीज़ हो जाएगी तो कहीं ना कहीं पानी जो है वो फ्लडिंग होनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। बिल्कुल, या तो फ्लड के कारण हमारी अर्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो गर्मी के कारण जो है काफ़ी प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये सब जो है वो हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात जो है वो क्रिएट करती है। ठीक है, सो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी कौन सी गैस के इंक्रीज़ होने से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा बल्क में दो गैसेस होती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर का जो आप कह सकते हो बल्क में कौन सी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, दो होती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है, ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है, ठीक है। ओके, फिर हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, फिर हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो ये जो भी है वो हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ एयर जो है, एटमॉस्फेयर जो है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको जो है आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ये सारे बच्चे आपको जो भी दिए हुए हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग आपको न्यूज़पेपर कटिंग्स दी हुई हैं। इस हम क्यों कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने वी शुड प्लांट मोर एंड मोर प्लांट्स, ठीक है। हमें जो है एफॉरेस्टेशन, वी शुड डू एफॉरेस्टेशन, वी शुड नॉट डू डीफॉरेस्टेशन। क्यों कहते हैं हम ये सब, क्योंकि अगर हमारा डीफॉरेस्टेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो अपनी अर्थ को बचाने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि वी शुड अप्लाई एफॉरेस्टेशन, ठीक है। हमें अपनी अर्थ को बचा के रखना चाहिए, हमें फ्यूल्स को जो है उनको बर्न नहीं करना चाहिए। सो ये सब चीज़ें हैं जो है वो डायरेक्ट लिंक करती हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। कल हम करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर। इस टॉपिक में से हमेशा आपको दो क्वेश्चन तो आपके स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम में डेफिनेटली मिल जाएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल की मेरी आप वीडियो तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर लेके आने वाली हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है आप इसको मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ हमारे जो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हम आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल फ्री 100% कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, दिस इज़ भव्या रामपाल सेइंग गुड बाय।